अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड्स ऑफ पीरियडिक प्रॉपर्टीज, कि जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं इनका पीरियड में क्या ट्रेंड होता है एंड ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे पास पीरियड होता है, ये हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल रोज। पीरियड टेबल में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वो हमारे पास होती है पीरियड, एंड जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। इनके नंबर की बात करें तो जो पीरियड है वो है हमारे पास टोटल 7 नंबर, एंड जो ग्रुप है वो है हमारे पास टोटल 8 नंबर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पीरियड है ये आपको शो करता है क्या शो करता है और आपको ग्रुप क्या शो करता है। तो जो पीरियड है ये आपको बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स। और जो आपको ग्रुप है वो आपको बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं इनका ट्रेंड क्या है पीरियड में और ग्रुप में। तो सबसे पहले हमारा है पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल टू द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये किसी भी एटम का एक शेल है, एक स्ट्रक्चर है, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो यहां न्यूक्लियस से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम बात करें कि इसका पीरियड में क्या ट्रेंड होगा और ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा, तो पीरियड में जो लेफ्ट टू राइट है वो जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, वो न्यूक्लियर इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा आपके आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। जबकि पीरियड के अंदर या टॉप टू बॉटम आपका जो एटॉमिक साइज होगा या जो एटॉमिक रेडियस होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों, कि आपके पास एक्स्ट्रा शेल एड होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका हमारे पास एक शेल, इसके बाद उसके बाद नीचे जो उसका होगा जो एलिमेंट होगा उसके अंदर हमारे पास दो शेल होंगे, इसके बाद फिर हमारे पास तीन शेल आ जाएंगे। इसका जो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, के किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, उसको रिमूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके आप नाम को देखें आयोनाइजेशन, कि वो एनर्जी कि जो किसी एटम को आयंस में कन्वर्ट कर दे, तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। के एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि इसके अंदर हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इसलिए ये जो प्रोसेस होगा ये होगा हमारे पास एंडोथर्मिक। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास होगी एंडोथर्मिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रेंड्स की पीरियड के अंदर एंड ग्रुप के अंदर, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। अब इसकी रीजंस क्या है, रीजंस इसकी ये है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। आपका न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, जबकि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्यों, नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं, जब नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं तो आउटरमोस्ट शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो भी कम होता जा रहा है। अब आप इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। सेकंडली जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट
आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड को रिमूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड को रिमूव करेंगे तो इसे हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर होगी सेकंड से एंड सेकंड वाली ग्रेटर होगी फर्स्ट से। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की इन ट्रांजिशन की वजह से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के ऊपर, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या हो जाए, कम हो जाए, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल फॉर ये हमारा न्यूक्लियस है, अब ये इलेक्ट्रॉन अब आपने देखा ये हमारा जो न्यूक्लियस है ये क्या कह रहा है, ये इसके ऊपर भी इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इसके ऊपर भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां के ऊपर वो लगा रहा है 1 kJ/mol, वो मतलब उसकी अट्रैक्शन इतनी उसकी फोर्स है, 1 N फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी यहां पर यह 1 N, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये इतनी फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब वो इसकी बात करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए आता है तो इसके बीच में, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में एक ये इनर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी सारी अट्रैक्शन अपनी तरफ ले जाएगा और इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जब वो इसके ऊपर भी 1 लगा रहा है, इसके ऊपर भी अगर 1 लगा रहा है तो इसके ऊपर वो हमेशा लेस देन 1 लगाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, इससे डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब इसके ट्रेंड क्या होंगे पीरियड में, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहेगा, पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ शेल सेम रहता है तो जो हमारी शील्डिंग इफेक्ट है ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप्स की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास ये चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं कि जो आउटरमोस्ट शेल है उसको इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम इन ग्रुप जो आपकी शील्डिंग इफेक्ट है वो करेगी इंक्रीज। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब भी किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो क्या वो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिलीज एनर्जी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम सम एनर्जी इज रिलीज, दैट रिलीज इन एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आया तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा, अब जब इसके ऊपर एक एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब ये क्या बन गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, लिहाजा जब वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, अब ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लिहाजा हमें क्या करना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एंटर करवाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब हम एनर्जी लगाएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास होगी एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास एक्सोथर्मिक है एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास एंडोथर्मिक है। अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करें पीरियड एंड ग्रुप्स में, तो पीरियड के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपका आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसी भी एटम की ये एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे,
The ability of an atom to attract a shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं electronegativity. इसके हम trends की बात करें तो period में ये होगी increase, जबकि groups के अंदर हमारी जो electronegativity है वो होगी decrease. अगर हम left to right जाएं तो हमारे पास सबसे end के ऊपर हमारे पास आता है fluorine. तो हम लोग ये कहेंगे जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें. अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो उसको कमेंट में लिख दें. तो खुश रहें, खुश रखें. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.